वेलकम बैक फ्रेंड, माय नेम इज हरी सोचा। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाइथन की प्रोग्रामिंग हमने पिछले वीडियो में की थी, हाँ, लेकिन आज इस प्रोग्रामिंग को मैं आगे उस लेवल पे ले जाना चाहता हूँ जिसमें आपको मैं प्रोग्राम बना सकूँ कम्प्लीटली। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ये पता होना चाहिए कि पाइथन की प्रोग्रामिंग की कैसे जाए, कैसे क्या उसके टॉपिक क्या कंसेप्ट उसके देखे जाए आपका। तो आप इस पूरी विंडो में आप देख सकते हैं, हालांकि अगर आपको इस पूरी विंडो का फॉन्ट अच्छा लग रहा है, इसका थीम अच्छी लग रही है, आप मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे आप लेफ्ट कॉर्नर पर सेटिंग पे जाइए इस जगह, और यहाँ पे कलर थीम पे क्लिक कीजिए, और कलर थीम में आप अप डाउन माउस एरो से आप क्लिक कर सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगे। जैसे आपको ये बेटर लग रही तो ये बेटर लगे, ये बेटर तो अभी बेटर, हालांकि मैं कहूँगा तो ये बेटर है तो ये भी बेटर है आप थीम। ओके, मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं आपको एक थीम दिखाई दे रही है, बढ़िया ये प्यारी लग रही थीम, तो मैं यही कंटिन्यू करना चाहूंगा। और राइट कॉर्नर पे आप ये देख रहे हैं, ये पूरी प्रोग्राम की कोडिंग की लिस्ट है जो मैंने आपके लिए रेडी की, प्रिपेयर की है, रेडी की पूरी आपके लिए, जो मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। इसमें मेरे पूरी मेहनत, यानी कि पूरी इसमें मेहनत है। आपको जो साइट्स पे जितने भी आपके प्रोग्रामिंग मिलेंगी, आपके जितने भी आपके कोर्स मिलेंगे आपके, वो आपको इतने एडवांटेज में नहीं मिलेंगे, इतने एडवांस नहीं मिलेंगे आपको। इसके लिए आपको ना इस वीडियो ट्यूटोरियल को लगातार देखते रहना चाहिए। आप अगर आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को पूरी इस लिस्ट को कम्प्लीटली देखना चाहते हैं, आपको क्या चीज़ है टोटल एंड से स्टार्ट का एंड लास्ट का एंड तक 2708 कोर्स मैंने किए हैं मिनिमम, और भी ज्यादा कोर्स इसके अंदर मेरे को और कोर्स करने हैं, हालांकि मैं आपको दिखाऊंगा बाद में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, अगर आप मेरे साथ ना वीडियो ट्यूटोरियल में मेरे साथ रहेंगे। इसके लिए बस पहले अपने स्टार्ट करते हैं कि मैं आपको बताना चाहूंगा कमेंट क्या होता है। कमेंट आपने सब लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ कमेंट। कमेंट होता है आपका कि जैसे सपोज करो कि मैं अपने पूरे कोड में जिस चीज को शो नहीं करना चाहता उसको मैं एक स्पेशल सिंबल से हाइड कर देता हूँ। मीन्स मैं कहता हूँ जो है, अगर भाई मान लो फर्स्ट लाइन है आपका नंबर वन लाइन, इस नंबर वन में देखो ये सब ग्रीन है क्योंकि सारे कमेंटेड है, सारे ग्रीन कलर है आपके, सारे कमेंटेड है, मेरे को अनकमेंट करना चाहता हूँ। तो अनकमेंट करने के लिए मेरे को सिंपली करना पड़ेगा आपका कि एक ऑप्शन होता है कंट्रोल, अनकमेंट करने के लिए आप ना इसको रिमूव कर सकते हैं हैश सिंबल को, क्योंकि पाइथन में कमेंट के लिए हैश सिंबल यूज होता है आपका। तो देखना इसका कलर चेंज हो गया, तो इसलिए अनकमेंट हो गई है। आपको विश्वास नहीं होगा अनकमेंट कैसे हुआ, तो हजरा देखो मैं इसको कंट्रोल एस सेव करता हूँ आपका। ओके ओके फाइन, मैं और इस फाइल को मैं इस फाइल को कुछ इस तरह से एक पाथ है उस पाथ में मैं जाना चाहूंगा। जैसे अब देखिए मैं क्लियर करता हूँ सब कुछ, मैं इस फाइल को रन करना चाहूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, पाइथन सबसे पहले मैंने अपने इंटरप्रेटर का नाम रखा, पाइथन लिखा, पाइथन और फिर उस फाइल का नेम जैसे एग्जाम्पल डॉट पी वाई। ओके, जहां मैंने एंटर किया देखो आपको मैसेज आ गया हेलो हाउ आर यू। अब आपको कह सकता कि ये कमेंट था या कमेंट नहीं था, उसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं अपनी अपर विंडो पे, फिर यहाँ पे आप देखते हैं कि मैं इसको फिर से कमेंट करता हूँ, और कमेंट करने के लिए इस बार मैं हैश सिंबल टाइप भी कर सकता हूँ इस तरह से। ओके, और स्पेस दे दिया, ये हो गया। अब देखो इसको सेव किया कंट्रोल एस से, मैंने सेव करने के बाद फाइल में जाके आप सेव कीजिए इसको कंट्रोल एस से, सेव करने के बाद फिर से अपने प्रोग्रामिंग में जाइए इस तरह से और इसको रन कीजिए, तो आपको कोई आउटपुट मिलेगा क्योंकि कमेंट हो चुका है आपका। ओके, अब मैं फिर से अपने ऊपर कोडिंग एरिया में जाता हूँ, तो उस कोडिंग एरिया में आप जिसमें कई सारे कमेंटेड एरिया है, तो इनको कमेंट अनकमेंट कब तक अपन टाइप करेंगे, कमेंट कब तक टाइप करेंगे, अनकमेंट कब तक ऐसे करेंगे, कब तक मिटाएंगे, हैश सिंबल कब से हटाएंगे, कब से लगाएंगे, या कब तक कैसे करते रहेंगे, तो उसके लिए एक शॉर्टकट की बनाया आपका कंट्रोल विजुअल स्टूडियो कोड में कंट्रोल प्लस ये आपका क्वेश्चन मार्क वाला है सिंबल है, कंट्रोल प्लस इसको स्लैश बोलते हैं, कंट्रोल प्लस स्लैश। तो कंट्रोल प्लस स्लैश कैसे है, कौन सा वाला स्लैश, मैं आपको बताता हूँ कीबोर्ड में कैसे होता है आपका। ओके, कीवर्ड में देखो स्लैश कौन सा वाला, आप इसको बोलते हैं आपको क्या बैक, इसको बोलते हैं अपना फॉरवर्ड स्लैश, कौन सा बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। देखो ये रहा फॉरवर्ड स्लैश, ये देख रहा ये देखो कंट्रोल प्रेस करना है इस तरह से और फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करना है, तो ये कमेंट देखो पहले मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस किया और फॉरवर्ड स्लैश, देखो कमेंट हो गया, फिर से कंट्रोल प्रेस किया और आपका फॉरवर्ड स्लैश प्रेस किया, तो देखो ये अनकमेंट हो जाएगा अभी, देखना कंट्रोल प्रेस किया और फॉरवर्ड स्लैश किया, ये अनकमेंट हो गया अनकमेंट।
समझ गए? तो इस समय से आपको कमेंट कमेंट करना है आपका, मैं अपने कीबोर्ड से कमेंट कमेंट करूंगा। ओके, सबसे पहले आपकी लाइन आ रही है फर्स्ट लाइन, जिसमें लिखा हुआ है आपका हेलो हाउ आर यू। हम इस प्रोग्राम को इस तरह से अपन प्रोग्रामिंग करेंगे, ये पूरे कोड को कमेंट अनकमेंट के रूप में अपन सॉल्व करेंगे आपका। जैसे सिंपल लिखा हुआ है प्रिंट हेलो हाउ आर यू, इसका मतलब क्या है आप देखिए, प्रिंट जो आपका एक फंक्शन है, आपका प्रोग्रामिंग फंक्शन है आपका, जो आपका पैकेट्स होल्ड करता है और उसके अंदर एक कैप्सुलेशन प्रोसेस होती है, कैप्सुलेशन प्रोसेस जिसके अंदर प्रिंट आप कुछ भी मेटर डालेंगे ना, वो आपको आउटपुट में दिखेगा। यानी प्रिंट जो था आपका आपके कोड को, आपके कोड विंडो से जो भी आप लिखा है आपने उस मटेरियल को आपकी आउटपुट विंडो तक शो कराने तक का काम करता है प्रिंट आपका यहाँ पे। तो हेलो हाउ आर यू, मैंने सेव किया कंट्रोल एस से, जब मैंने इसको रन किया तो आप देखिए इसका आउटपुट आएगा हेलो हाउ आर यू। ओके, अब आप कहोगे कि डबल और सिंगल इनवर्टेड कॉमा का क्या खेल है, तो मैं कहूंगा डबल और सिंगल इनवर्टेड कॉमा, इसको मैं फिर से कमेंट करता हूँ। ये पहला वाला हो गया डबल इनवर्टेड कॉमा, अब नीचे वाला आ जाए इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, और यहाँ पे देखिए ये है आपका सिंगल इनवर्टेड कॉमा। तो इस सिंगल इनवर्टेड कॉमा को मैंने कंट्रोल एस से सेव किया और इसको रन किया आपका इस तरह से, तो आप देखिए इसका आउटपुट क्या है आपका हेलो हाउ आर यू। तो सेम आउटपुट आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा, बिकॉज रीजन आप समझते हैं क्या, इसका रीजन ये है आपका कि डबल इनवर्ट कॉमा और सिंगल इनवर्ट कॉमा पाइथन के लिए सेम एज वर्क करते हैं आपका। ओके, बट अगर दोनों को बोथ यूज करना तो उसके लिए कुछ कुछ ऑपरेशन से दिए गए हैं, वो मैं आपको समझाना चाहूंगा वो कैसे। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं, सबसे पहले आपको ये देखिए आप कि फिर से ऊपर चलते हैं अपनी कोड विंडो पे, इसको कमेंट किया। ओके, अब थर्ड लाइन पे आते हैं, इसको अपन अलग अनकमेंट, हाँ थर्ड लाइन को मैंने अनकमेंट किया, इसने आपको क्या दिख रहा है बताओ, मेरे को दिख रहा तो है जैसे प्रिंट, हाँ ब्रैकेट सीख रहे हैं आपके, ब्रैकेट सीख रहे हैं आपके, उन ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है डबल इनवर्ट कॉमा के अंदर हेलो वर्ल्ड। अब जब देखो यहाँ पर डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आ गया, ये देखो दो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आ चुके हैं। ओके, आ तो चुके हैं दो सिंगल कॉमा, यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आ सकता है और सिंगल के अंदर डबल, मतलब मैं कहूंगा तो डबल के अंदर सिंगल एंड सिंगल के अंदर डबल। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया आपका डबल के अंदर सिंगल, सिंगल के अंदर डबल। ओके फाइन, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे आप देखिए जब मैं इसको सेव करूंगा कंट्रोल एस से और रन करूंगा अपनी विंडो को, तो ये देखिए इसका आउटपुट क्या हुआ आपका हेलो वर्ल्ड। आप कहोगे कि जैसे डबल एंड कॉमा अपन टाइप कर रहे थे, डबल एंड कॉमा प्रिंट नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा ना आपका डबल एंड कॉमा बाहर है एच के पहले है और यहाँ पे आपका सिंगल के बाद है डबल है, लेकिन वो प्रिंटिंग में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये डबल एंड कॉमा कंटेनर की तरह वर्क कर रहा है आपका, ये कंटेनर वर्क कर रहा है। और क्या कंटेनर किया इसने, हेलो के साथ कॉमा है, सिंगल इनवर्टेड कॉमा डब्ल्यू ओ आर एल डी सिंगल कॉमा, ये सब कंटेनर कंटेन की रख रहे हैं, ये क्या मटेरियल है जो कंटेन रख रहा है। तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा जो फर्स्ट टाइम का डबल या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है ना, जो कंटेन करके रखता है ना आपको, वो यहाँ पे शो नहीं होता आपका, लेकिन जो उसके बिटवीन में कंटेंट रहेगा, उसके बिटवीन में जो कंटेंट रहेगा आपका, ये मटेरियल है। किस मटेरियल बात कर रहा हूँ, इस मटेरियल की, ये मटेरियल जो आपका कंटेंट है आपका, वो प्रिंट होगा ओनली। अब समझे आप, धीरे धीरे नेक्स्ट चलते हैं आपका, कि इसका आप देखिए, ये मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। आप इसमें देखिए इसमें क्या है, ऊपर वाले में क्या था डबल इन्वर्टेड कॉमा बाहर था और सिंगल अंदर था, लेकिन इसमें क्या सिंगल बाहर है और डबल अंदर है आपका, यानी कि सेम है, अपोजिट हो गया, वाइस वर्सा हो गया आपका, वाइस वर्सा यानी कि मेरे कहने का मतलब सेम, और सेम आउटपुट आएगा, बस फर्क इतना होगा आपका कि डबल अंदर हो जाएगा वहां पे, ऊपर वाले में आपका इस जगह सिंगल अंदर था, यहाँ पे डबल अंदर हो जाएगा। सेव किया कंट्रोल एस से, मैंने इसको रन किया, तो आप देखिए इसका आउटपुट क्या आपका हेलो आ रहा, आपका हेलो वर्ल्ड आउटपुट आया ना इसका हेलो वर्ल्ड, आप समझे। ओके नेक्स्ट आइए, ऐसे कमेंट करूं। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका फिफ्थ लाइन, इस फिफ्थ लाइन में देखिए आप क्या खास बात है, इस फिफ्थ लाइन में ये बताया गया आपका कि डबल इनवर्टेड कॉमा के हेलो और डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर डबल इनवर्टेड कॉमा फिर से आ गया, पता डबल के अंदर डबल हो गया, पहले अपन क्या पढ़ते थे डबल के अंदर सिंगल, सिंगल के अंदर डबल, तो डबल के अंदर डबल आ गया इस बार, ऐसा कैसे हो सकता है, किसी ने मुझसे पूछा कि सर डबल के अंदर डबल सिंगल के अंदर सिंगल ला सकते हैं, तो मैंने बोला सिंपली इजीली नहीं ला सकते, लेकिन उसके लिए आपको लगता है एस्केप सीक्वेंस, क्या लगता है एस्केप सीक्वेंस। तो व्हाट इज नो एस्केप सीक्वेंस, एस्केप सीक्वेंस होता है जो आपके कोड को सेम कोड को सामने विंडो पे आपके प्रिंट आउटपुट में शो करने की कोशिश करता है। जैसे मान लो सेम कोड को, जैसे मान लो डबल इन्वर्टेड कॉमा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी डबल इन्वर्टेड कॉमा
रहेगा आपका, देखो ये डबल इनवर्स कॉमा है ना आपका, तो डबल के अंदर डबल चलता है, इसको बोलते हैं एसएस सीक्वेंस, एसएस सीक्वेंस के लिए। और क्या करते हैं इसको स्टार्ट करते हैं एसएस सीक्वेंस के लिए इस तरह से, ये होता है बैक स्लैश, ये होता है आपका, ये होता है आपका बैक स्लैश, ठीक है, ये आपका बैक स्लैश कहलाता है आपका। हाँ, और जो दूसरा होता है वो होता है आपका फॉरवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, ओके। एक बैक स्लैश होता है आपका, एक फॉरवर्ड स्लैश होता है, बैक स्लैश होता है आपका यानी कि एक फॉरवर्ड स्लैश होता है, ओके समझे। तो ये तो फिर ठीक है, ओके मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके इसका आउटपुट देखते हैं, पर लोग क्या आता है इसका आउटपुट, इसका आउटपुट आया हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर कॉमा को हटाई क्योंकि कॉमा मैंने लगाई नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या लगाया मैंने स्विच लाइन में कॉमा कहीं नहीं लगाना, इसके इसका आउटपुट क्या हेलो वर्ल्ड, तो डबल के अंदर डबल आ रहा है आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे, इसको मैं कमेंट करता हूँ नीचे वाले पे आ जाता हूँ, नीचे वाले पे क्लिक होगा आपका, इसको अनकमेंट के नीचे वाली वाली लाइन को। अब देखिए सिंगल के अंदर सिंगल वो भी एस्केप सीक्वेंस के यूज से, ये एस्केप सीक्वेंस आप लगाना मत भूलिएगा, याद रखना आपका इस बात को, इसको रन करें देखना सिंगल इनपुट कॉमा अंदर आ रहा है इनसाइड, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं लोग कि फिर से एक सेवन नंबर लाइन को अनकमेंट करते हैं। अब इसमें देखिए, अब आप कहोगे मेरे से कि ये देखिए हेलो, एक बंदे ने मेरे से पूछा कि सर हमें स्लैश लगा तो रहे क्या, स्लैश प्रिंट हुआ, मैंने बोला प्रिंट नहीं हुआ, चिंता मत करो, लेकिन एक मेथड से प्रिंट कर सकते हैं आप, वो है आपका एक एक एक्सटेंशन कितना छोटा सा जिसको बोलते हैं आर, क्या कहते हैं आपको एक आर, ये आपका एक मोड है, मोड क्या बोलते हैं एम ओ डी ई मोड, तो मोड होता है आपका आर मोड, एक होता है एफ स्ट्रिंग मोड, मैंने आर मोड दिया, आर मोड होता है आपका रीड ओनली, रीड ओनली मोड, ये पूरी स्ट्रिंग का आप देखो, इस स्ट्रिंग को देखो आप है, और इस स्ट्रिंग को देखो, इन दोनों स्ट्रिंग के अंतर है, ये हल्की लाइट है, लाइट ऑरेंज ऑरेंज कह लो, और ये डार्क है, हाँ मतलब इस आर ने इसको रीड मोड में कर दिया, देखो इसका कलर देखो आपको दिख रहा होगा ऑरेंज, इस वाले का कलर ऑरेंज और इस वाले का कलर आपको डार्क मरून बोल सकते हो आप या रेड बोल सकते हो आप, हाँ आर लगाने से मात्र आर लगाने, जब मैं आर रिमूव करता हूँ तो कलर भी चेंज हो जाता है, ये कलर चेंज अंडू करता हूँ तो कलर डार्क हो गया आपका, अब समझे। तो मेरे कहने का जो है आपका कि आप तो बस एक बार ध्यान रखिए कि जो आपका आर जो होता है वो रीड मोड में होता है, और आपका जो पूरा कंटेंट है डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर, जो डबल यानी डबल के अंदर डबल है विद स्लैश यानी कि एस्केप सीक्वेंस, तो वो भी प्रिंट हो जाएगा आपका, ये ध्यान रखना आपका, वो भी आपका प्रिंट हो जाएगा, देखो आरा स्लैश के साथ आपका, ये किस कारण होगा रीड मोड के कारण, आर के कारण आपका। सामने वाले बंदे ने पूछा कि मैं स्लैश पे प्रिंट करना चाहता हूँ सर, ओके आप समझे। मैं आगे बढ़ू, नेक्स्ट लाइन को भी देखो आप, इसको भी देख लो आप, ये क्या कह रही है आपका, ये वाली लाइन कि हेलो वर्ल्ड, ओके इसमें सिंगल है, इसमें सिंगल उसका आउटपुट क्या आएगा, सिंगल ही आएगा, क्योंकि कोई परेशानी है नहीं, स्लैश आ रहे हैं आपके, ओके नेक्स्ट देखो आपका नेक्स्ट। अच्छा मैं आपको बता दूं कि ऐसे सीक्वेंस भी कई सारे होते हैं, जैसे आपका स्लैश है आपका स्लैश टी होता है, स्लैश आपका स्लैश भी होता है, आपका स्लैश भी होता है आपका है, आखिर कई सारे ऐसे सीक्वेंस होते हैं आपका, कैसे क्या स्लैश आर होता है, कैसे क्या यूज कर सकते हैं ऐसे सीक्वेंस, वो मैं धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहला ऐसे सीक्वेंस यूज होना जा रहा है आपका क्या, स्लैश टी। अब आप कहोगे स्लैश टी इंपॉर्टेंट नहीं, स्लैश टी मैंने लगा दिया, जब मैं इसको रन करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा आपका, जो आप चाहते हो कि टीवी प्रिंट हो जाए, आप जो चाहते हो स्लैश का टीवी प्रिंट हो जाए, तो वो हो रहा है, वो हो रहा है, देखो हेलो स्लैश टी स्लैश कॉलन वर्ड, यानी कि आपको लग रहा है ना हेलो स्लैश टी मतलब स्लैश टीवी प्रिंट हो रहा है ना आपका, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी आर मोड री मोड दिया है आपका, इसलिए स्लैश टी प्रिंट हो रहा है आपका, स्लैश टी का एक खुद का एक वर्क है, वो काम करता है, वर्क करता है विद बैक स्लैश, इसको बैक स्लैश बोलते हैं, बैक स्लैश के साथ में आपका स्लैश टी वर्क करता है, स्लैश टी नहीं कई सारे हो सकते स्लैश एन स्लैश टी स्लैश बी स्लैश ए स्लैश आर कई सारे हो सकते हैं आपका, लेकिन वर्क करने के लिए आपको इन स्लैश का इन ऐसे सीक्वेंस का वर्क करने के लिए आपको रीड मोड हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा रीड मोड, रीड मोड रिमूव कैसे कर सकते हैं आपको, तो आ रहा था तो सिंपली है देखो कैसे नीचे वाली लाइन मैंने टेंथ वाली टेन नंबर की लाइन मैंने बोला है आपका, ये देखिए आपका हेलो स्लैश टी वर्ल्ड, तो आपका आउटपुट क्या है स्लैश टी में होता है हॉरिजॉन्टल टेप, मतलब एक लॉन्ग स्पेस, मतलब चार पांच तीन चार गैप आ जाएंगे आपके, ओके जहां मैंने एंटर किया देखो तीन चार गैप आ गए, आ गया ना आपका देखो कैसे वन टू थ्री थ्री गैप आ गए आपके, ये थ्री गैप हेलो वर्ल्ड के बीच में थ्री गैप आ गए, सिंपल टैब वर्क करता है, कौन सा टैब, ये वाला टैब बोल रहा हूँ, देखो मैं कुछ भी लिखा मैंने टैब बटन दबाया देखो आ गया स्पेस, आपका वही टैब इसमें से छोटा आ रहा है, ये देखो टैब ये आपका वो कि ये टैब छोटा आ रहा है,
प्रोग्रामिंग में कोडिंग का टैब छोटा आएगा, आपका ध्यान रखना कोडिंग में आपका टैब छोटा आएगा, लेकिन जब आपका नीचे मेन विंडो है तो उसमें टैब लॉन्ग आ सकता है। ओके, अब नेक्स्ट होगा आपका कि फिर से मैंने इसको कमेंट किया, अब इसको अननी वाले को कमेंट किया, यानी कि 11 नंबर की लाइन है। इसमें लिखा है स्लैश एन, व्हाट इज योर स्लैश एन, स्लैश टी का मतलब समझ के हॉरिजॉन्टल टैब जिसमें आपका एक लॉन्ग स्पेस आता है, स्लैश मतलब न्यू लाइन, स्लैश एन मीन्स आपका न्यू लाइन। न्यू लाइन कैसे आपका, जैसे मैंने कहा आपसे कि कोई भी टॉपिक है हेलो से नीचे की अगली नेक्स्ट लाइन से वर्ल्ड आ जाए, तो ऐसा कर सकते हैं। कैसे आउटपुट देखा, इसका आउटपुट देखा तो हेलो वर्ल्ड आ रहा है आपका, आउटपुट हेलो वर्ल्ड आ रहा है ना आपका, कितनी अच्छी बात है, हेलो वर्ल्ड इसका आउटपुट आ रहा है आपका। अब इसके बाद देखो आप नेक्स्ट, देखो आपका हेलो वर्ल्ड तो आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आ रहा था, देखो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है ना। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे लाइन को फिर से अनकमेंट करता हूँ, स्लैश बी, स्लैश बी का मतलब था, बी का मतलब था बैक स्लैश, बैक स्लैश कहता है बैक स्लैश, बैक स्पेस बोलते हैं, बैक स्पेस, बैक स्पेस, बैक स्पेस क्या करता है कुछ इस तरह काम करता है। देखो ये बैक, बैक स्पेस मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये जगह देखो एच एच में टाइम है ना, बैक स्पेस दबाया, ओके मिट गया। बैक स्पेस कीबोर्ड में आप देख लो, कीबोर्ड में बैक स्पेस क्या होता है, ये रहा आपका, ये रहा बैक स्पेस, क्लिक किया देखो ये रहा बैक स्पेस, कीबोर्ड का बैक स्पेस है। अब समझ गए आपका, तो मेरे कहना था ये बैक स्पेस वर्क कर रहा है आपका यहाँ पे है, ओ हेलो स्लैश बी वर्ल्ड है, इस तरह से चीजें आप आ रही हैं आपका। ओके तो इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ, खुद ही बताओ, सिंपल बताओ, मैंने हेलो वर्ल्ड के बीच में कोई स्पेस दिया नहीं दिया, दिया तो क्या दिया आखिरकार, स्लैश बी ओनली, क्या दिया स्लैश बी, यानी कि अगर स्लैश बी नहीं लगाऊंगा तो हेलो वर्ल्ड आपस में ऐड होते हुए आएंगे। देखो तो अभी क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड आपस में ऐड होते हुए आएंगे, और जब मैं स्लैश भी लगा देता हूँ आगे हाँ तो हेलो वर्ल्ड में ओ रिमूव कर देगा आपका बैक स्पेस मतलब हटा देगा, और डब्ल्यू से स्टार्ट कर देगा वहीं से, मतलब एच एल तो प्रिंट करेगा लेकिन डब्ल्यू की स्टार्ट कर, ओ की जगह डब्ल्यू से स्टार्ट कर देगा, देखो एच ई डबल एल है डब्ल्यू आई डी। अब समझे बैक स्पेस का काम होता है आपका, एक स्पेस नीचे का, अगर मैं दो बैक स्लैश लगाता हूँ आपका, दो बैक स्लैश का मतलब होता है आपका कि दो बार वो रफ कर देगा उसको, कैसे ऐसा, देखो एच ई डबल एल यानी कि एक एल गया और एक ओ गया आपका। अब समझे ये डबल या ट्रिपल बैक स्लैश लगाने से क्या होता है। अब नेक्स्ट देखो आपका, नेक्स्ट होता है आपका ये है आपका डबल बैक स्लैश, ये अगर मान लो मेरे को ऑप्शन बनाना है कि ग्रीन और रेड, तो बीच में स्लैश लगाऊंगा मैं ऑप्शन देने के लिए, मतलब स्लैश का ये होता है आपका, ये स्लैश देने के लिए ऑप्शन, जब आपको आउटपुट विंडो पे स्लैश दिखाना है तो आप सिंगल स्लैश नहीं में लगाइए, देखो सिंगल स्लैश लगाएंगे तो एरर आ जाएगी आपका, तो एरर हालांकि सिंगल से तो एरर नहीं आएगी, इतना से मैं आप लोगों सिंगल से प्रिंट हो जाएगा आपका, जैसे आपका लिखा हुआ है देखो ये सेव किया, लेकिन क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे एरर, देखो ये स्टैटिक टाइम की एरर है आपका, देखो क्या बोल रहा है कि प्रिंट द वैल्यू स्ट्रिंग, यानी कि बैक स्लैश इन स्ट्रिंग, देखो यहाँ पे देखो आपका एन एनोमलस बैक स्लैश इन स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट माइट बी मिसिंग एन आर, वो बोल रहा है अगर आप ये यूज करना चाहते हो तो आर लगाइए ताकि प्रोग्राम को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके मैं फिर से डबल बैक स्लैश करता हूँ ताकि कोई एरर ना आए, तो रन करता हूँ तो आप कोई एरर नहीं आएगी, हालांकि एरर तो इसमें भी नहीं आई थी रन करते समय, लेकिन जब ऊपर जो कोडिंग टाइम पे एरर तो आ रही थी ना, कोडिंग टाइम पे देखो आपको एरर आ रही है, कोई आपका स्पेशली रेड कर बोलते हैं वो आ रहा है नीचे डाउन में, पहले तो आ रहा था अब नहीं आ रहा ना। नेक्स्ट चलते हैं आपका कि इसको मैंने सेव, देखो ये रहा आपका जो मैं बोल रहा था आपका हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पे आर मोड दिया है आपका, तो कोई एरर नहीं आ रही, जहां आर मोड हटाऊंगा मैं वहां तो एरर आ जाएगी, तो एरर आएगी कोई हाल, वो बोल देगा देखो थोड़ी सी आ जाएगी। सेव किया मैंने, इसको रन किया तो ऊपर देखो एरर आएगी, प्रिंट रन तो हो गया लेकिन एरर जी आ गई, ये देखना। ओके देखो ये आ गई हल्की सी आ गई, देखो ये आ गया डब्ल्यू आ गया ना फिर से, तो इससे बचने के लिए करते हैं ये आर मोड को लगा देते हैं। हाँ अब नेक्स्ट है लास्ट बेटर, बहुत अच्छा बहुत प्यारा एक चीज है आपका क्या कि ये इमोजीज आपने सुना होगा, व्हाट इज मीन ऑफ इमोजीज, इमोजीज आप समझते हो, इमोजीज ने आपको पता है हंसते हुए चेहरे है, रोते हुए चेहरे, गुनगुनाते हुए चेहरे, चाहे जैसे चेहरे दिख जाएंगे, लेकिन 3D व्यू तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन हाँ 2D व्यू दिख जाएगा, चले जाता है आपको व्हाट्सएप पे, अपना फेसेस सेंड करते हैं व्हाट्सएप पे, सामने वाले बोलते हैं कि व्हाट्सएप पे जाके क्लिक करो आप हाँ ओके, तो ऐसे हंसते हुए चेहरे आपको मिलेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले नेट कनेक्ट कर रहा हूँ अपना, और इस कनेक्टिंग के दौरान मैं एक साइट ओपन करने जा रहा हूँ, उस साइट का नाम है आपका इमोजीज, हाँ वो साइट का लिंक मैं आपको
मैं दे दूंगा आपका, कई सारी ईमेल्स की लिस्ट पड़ी हुई है मेरे पास, ऐसे आपका कोड पड़ा हुआ है आपका। हाँ ये सारी लिस्ट इमोजीज मैं आपको बता दूंगा, सेवरल कर दूंगा आपका। इस बारे में बताऊंगा कि व्हाट्स इमोजीज क्या होते हैं आपका, कि कैसे अपन इमोजीज को लिंक करते हैं, व्हाट्सएप पेस्ट करते हैं। हाँ कुछ याद आ रहा है आपका? ओके, कुछ किस तरह के आपके इमोजीज होंगे, आप ये सारी प्रोग्रामिंग है जो आप मैं सिखाऊंगा। थोड़ी हार्ड दिखने में लग रही है, मुझे बहुत से ईजी है, इतनी सिंपल है, कुछ कहने ना चाहे आपको। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ओके, मैं आपको इमोजीज का चिकनी चैप्टर बताऊंगा आपका नेक्स्ट वीडियो में आपका। ओके, तो आपको बेहतर तरीके से आपको इस बारे में व्हाट इज इमेजेस, इमेजेस से हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है इस वीडियो में, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत थैंक्स अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं इस बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपको दिखाऊंगा आपका इस बारे में, कैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे, कैसे हम पाइथन की इंडेक्सिंग करेंगे, कैसे हम सीखेंगे प्रोग्रामिंग, बेटर प्रोग्रामिंग वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, ऐसे कई सारी चीजें। बस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे कमेंट कीजिए आपका।